अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप लोगों ने काजल का झूठ तो सुन लिया, लेकिन आपको मेरा सच भी सुनना होगा। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये सच है कि मैं कॉलेज में काजल से प्यार करता था। लेकिन वो मेरा अतीत है, उसका मेरे हाथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दादी, मैं नहीं जानता था मेरा अतीत मेरे आज में मेरे सामने आ गया। ये चाचा जी के साथ इस घर में आ गई। जब से ये इस घर में आई, ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। बहुत बार इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम शो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। बुआ, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तभी मैंने शुभ को पहचान लिया था। मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे तो याद नहीं। इसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा ये अपना पास्ट अपने प्रेजेंट में नहीं लाना चाहता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी के मन में चोर था। तुमने शगुन को सब कुछ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, शायद मैं उसको सब कुछ सच बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप जानते हो मैंने आपके लिए सच्चे दिल से करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ऐन मौके पर शुभ ने आके हमारे टिकट कैंसिल कर दिए और मुझसे जबरदस्ती वहां पे रुकने के लिए कहा। मैं भी वहां पे इसीलिए रुकी क्योंकि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। तो अगर एक लफ्ज भी और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाँ, मेरी बीवी को मारेगा मेरे होते हुए। मार उसको। अरे मार उसको। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे मेरी नहीं, अपने पति की कर लो। अरे चाचा जी कितना प्यार करते हैं तुमसे, फिर भी उन्हें धोखा दे रही हो। अरे अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, बच जाओगी तुम। सच तो तुम्हें बोल के अपने गुनाह का हिसाब देना है शुभ। देखो कैसे मुझे झूठा ठहराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं अपनी बेगुनाही में एक और सबूत देना चाहती हूँ। बताओ सबको, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम क्यों लिखा है तुमने? ये भी मेरी एक चाल है। भैया, आपने हाथ में काजल का नाम क्यों लिखा है? बताओ ना शुभ, इसका क्या मतलब होता है? झूठ मत बोलो, ये मेरे हाथ में नाम तुमने लिखा है। बस कीजिए शुभ सर, बहुत हो गया। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे। शगुन, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि हम दोनों में दूरियां ना आ सके। झूठ की बुनियाद में बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, वो कभी ना कभी टूट जाते। शगुन, अगर मुझे यही सब करना होता तो तुम खुद सोचो मैं दूसरा कमरा क्यों लेता। मैंने इसे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसने एक मौका नहीं छोड़ा मेरा फायदा उठाने का। चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कब से जानते हैं आप काजल को? क्या आप जानते हैं कि काजल ने मुझे क्यों छोड़ा था? We'll be right back.
कितने हुनरमंद हो ना तुम शुभ, झूठ भी कितने नजाकत के साथ बिल्कुल सच के अंदाज में बोल देते। मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा, चाहे जो कर लो। ठीक है, अगर तुमने मेरी जिंदगी खराब करने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं खुद ही हार मान लेती। अब मैं अपनी कहानी खत्म कर देती। ऐसे लोगों के बीच में रह के मुझे क्या मिलेगा जो सच का साथ ही नहीं दे पाए। सुना? नहीं सुना, नहीं नहीं छोड़ो। तुम क्यों मरोगी है? मरेगा वो जिसने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। अभी पुलिस को फोन लगाता हूं। सुनो, पुलिस को फोन मत कीजिए। आप तो जानते हो कि दुनिया कैसी है। ये बात अगर बाहर फैल गई तो शुभ को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। अगर चाची गलत होती तो खुद को मारने की कोशिश क्यों करती? कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इससे जरूर पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अपने दिल से पूछो शगुन। आपने मुझे उस लायक छोड़ा ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? प्लीज शगुन। शुभ सर, विश्वास कमाना जितना मुश्किल है, गवाना उतना ही आसान। चलो बताओ इन दोनों में क्या है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। इनमें से एक शक्कर है और एक नमक। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से नमक कौन सा है? मुझे नहीं पता। शकुन तुम्हें बताना होगा। बताओ नमक कौन सा है? ये देखा, धोखा खा गई ना। ये शक्कर है। ठीक किसी तरह कभी कभी आंखों देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, झूठ होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? चाची जी ने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के किया? अपनी बदनामी वो खुद से करना चाहती है? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप सब लोगों को लगता है ना कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। दादी, मैं जा रही हूं। कहाँ जा रही हो? मैं अब एक और पल इस घर में नहीं रह सकती। रुको बहुरिया, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो जिसने हमें धोखा दिया है। इतनी गिरी हुई हरकत की है। शुभ, निकल जाओ हमारे घर से।